साइबर फ्रॉड के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शहर के वैशाली नगर थाना पुलिस द्वारा की गई, जिसकी जांच एनईबी थाना प्रभारी दिनेश चंद्र को सौंपी गई। थानाधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि वैशाली नगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि मनाका रोड के पास साइबर ठगी किए जाने की सूचना मिली है, जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां एक युवक पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा। पुलिस ने युवक को पकड़ा और थाने पर लेकर आई, पूछताछ की गई तो उसने साइबर फ्रॉड करना माना। इसी के तहत पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में प्रकरण दर्ज करके आरोपी इमरान निवासी मनाका को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस की पालना में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर के निर्देशन में साइबर टीम के सहयोग से थानाधिकारी वैशाली नगर द्वारा कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड करते हुए एक आरोपी इमरान निवासी मन्नाका को गिरफ्तार किया गया, जिसके साइबर फ्रॉड से संबंधित अनुसंधान किया जा रहा है, जिसको पीस न्यायालय आज किया जा रहा है। किस तरह का फ्रॉड करते थे, कोई जानकारी सामने है? लोगों को झांसा दे करके पैसे ठगना, इसी तरह की साइबर फ्रॉड के कितने पैसे ठगे हैं? हाँ, वो सारी चीजें डिटेल आना बाकी है, लेकिन उसी अपराध में गिरफ्तार किया गया। काफी ठगी इसने की है, अब पीस न्यायालय किया जा रहा है।